हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की जब से मंजूरी दी है पॉलिटिकल रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। इसमें सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने साल 1968 में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की कॉपी को शेयर करते हुए अंग्रेजी में मैसेज लिखा। इस मैसेज को हिंदी में समझें तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है। आगे लिखा कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघ परिवार की शरारतें बढ़ेंगी। यह पूजा स्थल अधिनियम होने के बावजूद ऐसी मुकदमेबाजी पर रोक लगाने के बावजूद किया जा रहा है। इसके अगले पैरा में ओवैसी ने लिखा कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद समिति और मंदिर के ट्रस्ट के बीच आपसी सहमति से सुलझाया गया था। इस विवाद को एक नया गुट उछाल रहा है, चाहे वह काशी हो, मथुरा हो या लखनऊ की टाइलें वाली मस्जिद, यह एक ही ग्रुप है। कोई भी उस समझौते को यहाँ पढ़ सकता है जिसे अदालत के समक्ष तय किया गया था। इसके बाद लिखा कि पूजा स्थल अधिनियम अभी भी लागू कानून है। इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया को मजाक बना दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे का आदेश देना पड़ा। अंत में ओवैसी ने मुस्लिमों को टारगेट करने का भी आरोप लगाया। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग कर ली है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई ऐसे संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के अनुसार आवेदन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष ये दावा किया गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं, कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे की मंजूरी दे दी है। हालांकि ASI सर्वे कब से होगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, ये सब 18 दिसंबर को तय होगा। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शुक्रवार यानी आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जो सुनवाई है वह पहले से लंबित मुद्दों पर है, जहां मस्जिद समिति ने सभी 18 याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को चुनौती दी थी, जबकि इस मामले को मूल रूप से जनवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था। अब गुरुवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और अहम हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।